नमस्कार आप सभी को। मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सभी लोगों का मैं भरत देवासी पुनः हार्दिक अभिनंदन, पुनः हार्दिक आभार और पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमारा हमेशा मंडे मोटिवेशन एक सेगमेंट रखा है मैंने, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ, उसी कड़ी में मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी भी वैसी ही पसंद आएगी जैसी आपने कहानियाँ या जो मेरी पिछली कहानियाँ थी वो पसंद की थी। मतलब तो अब कहानी बिना कोई भूमिका बनाए, भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि इस बुरे वक्त में हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, साथ निभाएं और एक दूसरे को ठगा हुआ या ऐसे अकेला महसूस ना करने दें। तो कहानी ऐसे है कि एक बार अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे और अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल कोई ऐसी बात बताओ या कोई ऐसी बात, लाइन, पंक्ति, उंगती कुछ ऐसी बोलो जिसमें सुख भी हो और दुख भी हो, जिसमें गम भी हो और खुशी भी हो। बोला साहेब, आपका आदेश सिर आंखों पर, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं कल आपके लिए एक बेहतरीन लाइन लेकर आ जाऊंगा। वो बिल्कुल आराम से घर गया, सोया, खाया, पिया, उठा और अगले दिन दरबार सजा और दरबार में ये बात खुसर-फुसर हो गई कि भाई बीरबल आज फंसेगा। ऐसी तो कोई लाइन हुई नहीं जिसमें कि एक ही लाइन में सुख भी हो, दुख भी हो, गम भी हो और खुशी भी हो। बड़े दरबार में जब बीरबल ने बोलना स्टार्ट किया, मतलब बादशाह ने आदेश दिया कि बीरबल तो तैयार हो, कि यस खड़े हो, कि भाई बिल्कुल बात बताइए, फिर अपनी कहानी सुनाए मुझे या वो बात बताइए। वो बहुत अच्छी बात थी जो हम सब लोगों के जीवन में बड़ी काम की है और बहुत बड़ी उपयोगी है, और इस दौर में भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, असफल हो, बिजनेस आपके बंद हो गए हो, कुछ और धंधे में असफलता मिल रही हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको कि यह दौर भी गुजर जाएगा। तो ध्यान रखना, यह दौर भी गुजर जाएगा। तो अगर आपका बुरा दौर है तो ध्यान रखना 100% अच्छा दौर आएगा। और अच्छा दौर है ना तो गलत फहमी में या खुश फहमी में मत रहना कि हम हमेशा ऐसे ही मुनाफा, ऐसे ही लूट खसोट करते रहेंगे। आपका दौर भी निकल जाएगा, आपका भी बुरा दौर आने वाला है। जनता ने सबको सब परख लिया कि कौन मुसीबत में किसके साथ खड़ा था और किसने किस तरह से फायदा उठाया है। तो आप लोग निराशा में मत डूबिए। और एक लाइन मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी कल सुबह कहीं पर, या पहले भी मैंने बोली है, वैसे मैं डायरी लिखता हूँ तो उसमें मैंने लिख रखी भी है कि रात सबसे काली तब होती है जब वह सुबह होने के करीब होती है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो सोचिए कि अब सुख आने ही वाला है, अब सुबह होने ही वाली है, अब सवेरा होने ही वाला है। भली वो बिजनेस में हो, भली वो नौकरी में हो, भली वो रोग में हो, बीमारी में हो, कमाई में हो या और किसी बात में हो। और इस बुरे वक्त में सब लोग सिर्फ अपना ना सोच कर एक दूसरे के साथ आइए। और कहीं आपको ध्यान है, आपने देखा होगा कि ईश्वर ने अपने हाथों की अंगुलियों के बीच में जगह दी है, तो ये यूं यूं करने के लिए नहीं दी है, ये बेशक किसी की मदद के लिए दी है। और हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ और वो कहानी समाप्त भी कर रहा हूँ कि ये बीच में जो हाथों के बीच में गैप दिया है ना, दरअसल वो किसी का हाथ थामने के लिए दिया है। और वो सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, वो उस बुरे वक्त में मदद करने के लिए, किसी को बेसहारा, निर्बल, निशाई ऐसा महसूस ना हो और आप उसका हाथ पकड़ लो, हाथ थाम लो। इसलिए भगवान ने आपके हाथों की अंगुलियों के बीच में दूरियां बनाई है ताकि कोई आकर इसको समेट ले और नजदीकियां प्राप्त कर ले। इसीलिए ध्यान रखना कि आप लोग जितना ईश्वर के लिए अच्छा कर पाओगे, ईश्वर को भी आप पर गर्व होगा कि मैंने सबसे अच्छी उक्ति या सबसे अच्छी संरचना या सबसे अच्छी रचना इस दुनिया में आपके रूप में बनाकर भेजी है। तो पुनः सभी लोगों को मेरा साधुवाद, शुक्रिया, और आप सबको जो मेरे गुरुजन हैं सबको प्रणाम। बहुत बहुत आभार आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।